नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू राधाज कुलिनरी। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान कुजिन स्पेशल दही की और लहसुन की चटनी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। दही और लहसुन की चटनी, इसके लिए हमने यहाँ पर आधा कप दही ली है। उसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लिया है। 2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड कर रहे हैं। इसमें मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। ये दही लहसुन की चटनी है, ये राजस्थान स्पेशल है। आप इसको बना करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी मन करे परांठे के साथ और रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फ्रिज में रखने के बाद ये काफी दिन चल जाती है, खराब नहीं होती जल्दी से। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसमें हम 1/2 टीस्पून नॉर्मल मिर्ची पाउडर ऐड कर रहे हैं टेस्ट के लिए थोड़ा सा। ये कश्मीरी मिर्च होती है वो तो स्पाइसी नहीं होती है, कलर के लिए होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड किया है। इसको साइड पे रखेंगे। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून ऑयल डाल रहे हैं, ज्यादा ऑयल नहीं डालना है हमें इसमें। थोड़ा सा गर्म होने देते हैं इसको। तेल हमारा गर्म हो गया है। 1 पिंच इसमें हम हींग डाल रहे हैं, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून राई के दाने, 1 टीस्पून इसमें हम कलौंजी डाल रहे हैं, ऑनियन सीड्स। क्रैकल होने देंगे इसे। यहाँ पर हमने 10 से 12 कलियां लहसुन की ली हैं, उसको अच्छे से क्रश कर लिया है, कद्दूकस नहीं किया है, कूट लिया है हमने इसको, वो ऐड कर देंगे। साथ ही में इसमें हम एक छोटी प्याज ऐड कर रहे हैं। हमें इसको थोड़ा ब्राउन होने तक ऐसे ही फ्राई करना है। ये बहुत जल्दी बन जाती है और कम ही इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं इसके लिए हमें, और खाने में तो बहुत ही डिलीशियस होती है। बस इसको थोड़ी देर और भूनेंगे हम, अभी थोड़ा सा ब्राउन आउट करेंगे अभी इसको। अब इसमें हम गैस की फ्लेम जो है लो कर देंगे इस टाइम, और इसमें हम जो दही का मिक्सचर था हमारा वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल दिया हमने इसमें, मिक्स करेंगे इसको, और हम इसको लगातार चलाते रहना जब तक कि इसमें एक बॉईल ना आ जाए, छोड़ेंगे नहीं हम इसको। देखिए इसमें बॉईल आ गया एक। अब इसको हम ढककर पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे तो पकने देंगे। यहाँ पर इसको 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, चेक करेंगे हम। देखिए ऊपर इसमें ऑयल आ जाएगा, इसका मतलब ये चटनी हमारी तैयार है। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे अब, और इसको सर्व करेंगे। अब हम इसको सर्व करते हैं। यहाँ पर हमने बाउल लिया है, उसमें इसको सर्व कर देंगे। देखिए देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है ये, कितना अच्छा कलर आया है इसका। आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा आपको। देखिए कितनी बढ़िया बनी है हमारी दही की और लहसुन की चटनी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी दही और लहसुन की चटनी बनकर तैयार है। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, और अपने अनुभव मुझे कमेंट में शेयर करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बनाते रहिए, खाते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हैप्पी कुकिंग।